गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड सिविक्स चैप्टर टू. ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर. ओके, यानी व्हाट डज आर गवर्नमेंट डू फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड डिफाइनिंग हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर इन इंडिया. हमारे देश में हेल्थ केयर के लिए सरकार क्या क्या करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, फिनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, द पब्लिक हेल्थ केयर एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर. ओके, ये दो तरह के हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश में एप्लीकेबल है. एंड एसेस ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज. ओके, तो सच एंड सच थिंग्स विच वी आर गोइंग टू रीड दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज हेल्थ? ओके, WHO, यू नो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो WHO डिफाइन्स हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग. ओके, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मेरली द एबसेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ओके, दिस इज कॉल्ड हेल्थ. अ पर्सन इज कंसिडर्ड हेल्दी वेन ही सी इज एबल टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरी. ना, यानी बीमारी से वो फ्री है, मुक्त है. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सफिशियंट फूड, प्रॉपर रेस्ट, सैनिटेशन इन द सराउंडिंग एरियाज एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. द सच एंड सच फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस हेल्थ ऑफ अ पर्सन. ओके, ऑफ अ पर्सन. रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी हमारी सरकार की क्या भूमिका होती है ना स्वास्थ्य के प्रति, ना जन स्वास्थ्य के प्रति, ना हमारी सरकार क्या करती है. एवरीवन नीड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशियंट फूड एंड अ क्लीन सराउंडिंग टू लिव इन. इट इंश्योर्स गुड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज. ना, इन इंडिया द गवर्नमेंट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ. ओके, NGO try to prevent and treat illness by providing facilities such as health centers, hospitals, clinics, laboratories and mobile dispensaries. So such and such agencies that run either by the government or the private institution or the NGO. NGO, that is the non-governmental organization. Okay. तो स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं ना. अब बात करेंगे हम कि अर्बन पॉपुलेशन. ओके, अर्बन पॉपुलेशन फेसेस हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, अर्बन स्ट्रेस, इम्प्रॉपर ईटिंग एंड इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न. तो सच एंड सच ना ये चीजें देखने को शहर में मिलता है, यानी शहरी लोग ना, जो शहर की आबादी है, सच एंड सच प्रॉब्लम्स से घिरे हुए रहते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है. लाइक दैट द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू वल्नरेबल ग्रुप. ओके, वल्नरेबल ग्रुप लाइक चिल्ड्रेन, वुमेन, एल्डरली एंड पीपल विथ स्पेशल नीड्स. और इनको देर इज अ स्पेशल नीड टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल पीपल सच एज चिल्ड्रेन एंड वुमेन. ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट थिंग्स लाइक प्रिवेंटिव एक्शन, सेल्फ केयर एंड रिस्क रिड्यूसिंग फैक्टर्स टू इंश्योर गुड हेल्थ. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया फॉर सेफ फूड इज अ movement among Indian farmers and consumers and the government to ensure that all Indians have access to safe
food that is free of toxic substances, the such and such things. अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कि ये जो भी रिसोर्सेस है रिलेटेड टू द हेल्थ केयर हाउ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर कंट्री इन इंडिया. ओके, द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट लाइक पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ किसका चीज है? ये स्टेट का चीज है. ओके, देयर आर थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ओके, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक हेल्थ. वाटर एंड सैनिटेशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हेल्थ केयर वॉज मेनली अर्बन एंड क्लिनिक बेस्ड. जब जब भारत आजाद हुआ उस समय ये हेल्थ केयर मेनली अर्बन एंड क्लिनिक बेस्ड था, यानी शहर से संबंधित था, सारे लोगों से संबंधित था. इट्स आउटरीच टू द रियल इट आउटरीच टू द रूरल एरिया वॉज वेरी लिमिटेड, है ना. और उस समय है ना, यानी हमारा देश जब 50 में आजाद होता है, 47-50 में संविधान लागू होता है, 47 में आजाद होता है, 50 में संविधान लागू होता है. तो यानी कहने का मतलब कि आजादी के समय ये गांवों से बहुत ये दूर था, बहुत सीमित मात्रा में था. हेल्थ केयर का कंसेप्ट गांव गांव तक नहीं था, ये केवल शहरों तक सीमित था. ओके, और शहर बहुत कुछ कुछ एक थे, लिमिटेड थे. द प्लानिंग कमीशन, माइंड दैट. ओके, द प्लानिंग कमीशन वॉज देन फॉर्म्ड टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसेसिंग द कंट्रीज रिसोर्सेस एंड मेकिंग प्लान फॉर देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन, है ना. थ्रू इट्स 5-year प्लान इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड मेड वेरियस अदर्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट. ओके, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स फाइट, कॉम्बैट मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. कि जो मेजर जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हाउ टू कॉम्बैट, हाउ टू फाइट. ओके, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और उसी का नतीजा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ा, जीवन प्रत्याशा. यानी आप आजाद भारत में आप देखोगे आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उस समय जब भारत आजाद होता है 50 में, और आज ये 2020 में, तो यानी इन 70 सालों में बहुत लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है ना. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द पास्ट 7 decades विच इंक्रीज फ्रॉम 70 years टू ओवर ना 64 इन 2000. अभी कितना है ना, 64. आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक औसत भारतीय का कितना है, 64-65, लाइक दैट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना एस्टेब्लिश नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग NITI, नीति N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन एंड T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया. नीति मीन्स द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, दैट वॉज फाउंडेड अंडर द PM ऑफ नरेंद्र मोदी January 1, 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. ओके, ये नीति आयोग लाया गया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया. द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द सेटअप ऑफ नीति आयोग, इस नीति आयोग के सेटअप करने के पीछे जो प्राइमरी रीजन था, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि आयोग इज टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. कि कैसे स्टेट का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में बढ़ाया जाए. ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में स्टेट का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, उस स्टेट के पार्टिसिपेशन को भी कंसीडर किया जाए. दैट्स व्हाई द नीति आयोग वाज फॉर्म बाय द PM नरेंद्र मोदी एंड द प्लानिंग कमीशन दैट वाज रिमूव्ड. ओके, दैट वाज द प्राइमरी रीजन, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज द However, large section of our society do not have access to medical care. This may be due to ना, हमारे समाज का जो बहुतायत लोग हैं वो क्या है, मेडिकल केयर से वंचित हो जाते हैं. यानी उनके पहुंच तक ये
स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो पाती है। क्यों? लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, टू मच डिस्टेंस फ्रॉम द फैसिलिटीज, एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट टू द फैसिलिटीज, एंड एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द एरिया। दूर सुदूर गांव में है ना, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं सही रूप से नहीं था, और लोग क्या क्या थे, यानी वे लोग अपने उनके एसेस से ये वंचित हो जाते थे, है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं से वे लोग वंचित हो जाते थे। एवरी ईयर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज लाइक टीबी, कैंसर एंड मलेरिया अफेक्ट लाख ऑफ पीपल इन इंडिया, ओके, एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एंड डायरिया मेक अप अराउंड 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज। वी आर स्टिल अनेबल टू प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल, ओके। डिस्पाइट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, अंडर नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, है ना, तो अंडर नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन आर एन एवर प्रेजेंट डेंजर टू द चिल्ड्रेन ऑफ आवर कंट्री, है ना, विशेषकर के हमारे देश के बच्चे जो कुपोषित हैं, है ना, और अंडर माल नॉरिस्ड हैं, है ना, एक समस्या बना हुआ है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 3 आर अंडरवेट, ना, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की कुल आबादी का जिनकी एज 0 to 3 ईयर्स है, वो आधी उनकी आबादी क्या है, आधी संख्या क्या है, दैट इज द अंडरवेट, है ना, यानी अंडरवेट, अंडरवेट मीन्स अंडर मालनॉरिस्ट है ना, मालनॉरिस्ट है, अंडर नॉरिस्ट है, मालनॉरिस्ट है, लाइक दैट, एंड मोर देन हाफ ऑफ द वुमन एंड चिल्ड्रेन आर एनेमिक, और आधे से ज्यादा आबादी महिलाओं का एंड एडोलसेंट गर्ल्स का और बच्चों का क्या है, एनेमिक, एनेमिक यू नो द खून की कमी, एनीमिया, है ना, खून की कमी पाई जाती है, यानी प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिलता है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड हो पाता है, लाइक दैट, तो देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड द हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाइक द, अब देखो तो फिर हमारी सरकार क्या क्या करती है, प्रोग्राम्स लाइक द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे ICDS कहते हैं, इसे लर्न करोगे, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ओके, और सर्विसेज नेशनल मिड डे मील स्कीम, मध्यान्ह भोजन योजना जो स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS कहते हैं, जो जन वितरण प्रणाली, ना, राशन की दुकानें, यू नो लाइक दैट, हैव बीन लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन। तो हाउ टू टैकल दिस माल नॉरिशमेंट, अंडर नॉरिशमेंट, ओके, आर गवर्नमेंट लॉन्च्ड सो मेनी स्कीम, सो मेनी प्रोग्राम्स, ओके, सच एंड सच आई डिल्ड नाउ। अब हम देखेंगे फिनांसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके, फिनांसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, सिटीजन ऑफ इंडिया पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम लोग सरकार को तो टैक्स देते हैं, दिस टैक्स मनी इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज लाइक पुलिस, डिफेंस, हाईवेज, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर, और ये जो हम जो टैक्स देते हैं, हम जो कर देते हैं सरकार को, और ये पैसा सरकार किस पर खर्च करती है, हम पर करती है ना, हमारी जो एमिनिटीज है ना, हमारी जो फैसिलिटीज, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है ना, और कहाँ खर्च करती है, जैसे कि पुलिस पे, डिफेंस पे, हाईवेज पे, शिक्षा पे एंड स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटीज पर, सच एंड सच। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज कितने तरह के हैं। इन इंडिया हेल्थ फैसिलिटीज मे बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, विच ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, और बाय द प्राइवेट बॉडीज, है ना, प्राइवेट बॉडी यानी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, ये आप जैसे यहाँ IGIMS है,
पीएमसीएच है, लाइक दैट, दैट इज द ओ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वहां से प्रोवाइड होता है. अब पारस है, यू नो पारस है, गेटवेल है, लाइक दैट. ये जो हेल्थ फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट है. तो एक ये बहुत कॉस्टली होता है, वो चीप होता है, ना के बराबर होता है ना गवर्नमेंट क्या, या बहुत माइनर पैसे लिए जाते हैं, लाइक दैट. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ओके, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया हैव अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेट ओन्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच आर फाउंडेड एंड कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको हमारी सरकार कंट्रोल करती है और ओन्ड करती है, चाहे वो भारत सरकार करे या स्टेट सरकार करे. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, माइंड दैट. तो देयर इज अ मिनिस्ट्री, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज, दैट इज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग हेल्थ पॉलिसीज एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ. वो जन स्वास्थ्य की नीतियां निर्धारित करती है ना, और जनता की स्वास्थ्य की को सुधार के लिए काम करती है. द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन हेल्थ केयर, ओके, ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इन दिस इंस्टीट्यूशन आर आइदर फुली और पार्शियली सब्सिडाइज. चाहे तो मुफ्त होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर बहुत पार्टिकुलर, बहुत कुछ है ना, बहुत थोड़ा सा पैसा आपसे चार्ज किया जाता है. अंडर द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम द गवर्नमेंट ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन ऑर्डर टू इरेडिकेट डिजीजेज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. और सरकार आपको अवेयर करती है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन 2011 सलाम बॉम्बे, ओके, माइंड दैट. सलाम बॉम्बे फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च इट्स नेशनल एंटी टुबैको, है ना, एंटी टुबैको यूथ कैंपेन, एंटी टुबैको यूथ कैंपेन. ये सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया गया. सच जस्ट आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. एंड द स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड वल्नरेबल पार्टीज. जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए सरकार स्पेशल ध्यान देती है, स्पेशल केयर लेती है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल एड टू एवरी इंडिविजुअल टू इंश्योर राइट टू लाइफ. अ सिटीजन हैज द राइट टू टेक द केस टू कोर्ट इफ डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी. अगर आप मेडिकल फैसिलिटी से डिप्राइव्ड हो जाते हैं तो इट इज योर राइट, इट दैट इज योर फंडामेंटल राइट, है ना, यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट. अब दूसरा जो बात करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारे यहाँ भारत में पाया जाता है, दैट इज द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम. वो क्या है, प्राइवेट हेल्थ केयर इज द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द पीपल बाई एंटिटीज अदर देन द गवर्नमेंट. ओके, सरकार के अलावा जो दूसरे संस्थान है, एंटिटीज है ना, व्यक्तिगत रूप से जो प्रोवाइड करते हैं उसे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं. जैसे अभी आपको आपको बताया है ना कि जहां आप प्राइवेट, जैसे पारस का एग्जांपल दिया. इंडियाज प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्ट आर अमोंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. हम तो कहते हैं कि बहुत महंगा, लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट हेल्थ जो केयर है वो क्या है, वो पूरे वर्ल्ड में सस्ता है ना. हाउएवर दे आर स्टिल आउट ऑफ द रीच ऑफ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस तरह से पॉवर्टी है ना, भारत के लोग इतने गरीब हैं कि आम लोगों से ये पहुंच के बाहर है ना, ये पहुंच के बाहर है ना. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा 99% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैनॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेस. वर्ल्ड बैंक का डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि भारत की 99% आबादी कैनॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, है ना. तो जो प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको हम 99% जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मनी,
ना, इतने वी आर द इकोनॉमिकली वीक, दैट्स व्हाई, है ना। लाइक दैट डिस्पाइट चेक्स बाय द गवर्नमेंट द फैसिलिटी सर्विसेज एंड मेडिसिन अवेलेबल इन प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रिमेन वेरी एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, है ना। ये कॉमन पीपल से बियॉन्ड है, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है ना, दैट इज बियॉन्ड फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ आर कंट्री, है ना। एक नया जो चीज है वो है मेडिकल टूरिज्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया, ओके। ये ग्रोइंग सेक्टर है, बना हुआ है, एज मेडिकल ट्रीटमेंट आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड, ओके, एंड लॉट्स ऑफ टूरिस्ट ट्रेवल टू इंडिया फॉर लो प्राइस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एवरी ईयर। और यहाँ इतना सस्ता है ना हेल्थ केयर सर्विसेज कि पूरे विश्व से लोग भारत आते हैं, है ना, अपना स्वास्थ्य सुविधा के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए लोग यहाँ आते हैं, है ना, और उसके लिए मेडिकल टूरिज्म का कंसेप्ट है। द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया इज अराउंड 1/10 ओके ऑफ द कॉस्ट इन मोस्ट कंट्री, और इतना कम है कि जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का 1/10 है, यानी 10 का एक हिस्सा, है ना, 1/10, यानी कहीं अगर 10 लाख में कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो ट्रीटमेंट इंडिया में कितना में हो जाता है, 1 लाख, है ना, सो चिप, दैट्स वाई द टूरिस्ट विजिटेड इंडिया फॉर हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज इवन रिमूव द टूरिस्ट वीजा रेस्ट्रिक्शन टू इनकरेज मेडिकल टूरिज्म। तो हाउ टू इनकरेज द मेडिकल टूरिज्म, हमारी सरकार क्या की है, हैज बीन रिमूव द टूरिस्ट वीजा रेस्ट्रिक्शन, टूरिस्ट वीजा रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया है, इसको डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दे कैन स्टे इन इंडिया, ओके, एंड जो बाहर के जो विदेशी हैं, दे कैन स्टे इन इंडिया फॉर 30 डेज, है ना, 30 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं फॉर मेडिकल रीजंस, यानी उस मेडिकल आधार पे कोई भी विदेशी भारत में जो इलाज कराने के लिए आते हैं 30 दिन के लिए उनको अप्रूवल हमारी सरकार देती है, है ना। अब एसेस ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फॉलो गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चाहे हमारी भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको ऑप्ट करती है, ये तो कोर्ट के द्वारा एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको ऐसा नहीं करता है तो आप कोर्ट के शरण में नहीं जा सकते, है ना, यही अंतर है। दीज आर गाइडलाइंस एंड आर नॉट इनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, ओके। अब जो बात करेंगे वो है कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इन अ स्टेट इज शेयर्ड बाई द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, NGOs and international organization like WHO also provide assistance to public health care program, है ना। WHO भी एक्सपेंस करती है ना पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम पे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ ऑफ देयर स्टेट। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट्स टू प्रोवाइड एंड इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विसेज, है ना। यानी आपको हमेशा ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बने हुए हैं, है ना, लोगों का जन स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसके देखरेख के लिए भारत सरकार में एक अलग से मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, ओके। टू इंश्योर गुड क्वालिटी फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज हेल्थ केयर स्कीम्स लाइक द NRHM, ये NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आर लॉन्च्ड। एसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर्स इज आल्सो प्रोवाइडेड। मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू द पीपल फॉर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, चाहे तो फ्री या फिर बहुत मिनिमम, ओके। एंड
द लास्टली कि हमारे देश में कौन सा स्टेट है जो हेल्थ केयर में बहुत अवेयर है और वहां का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वो है केरला। वो है केरला क्यों? इसलिए कि दैट इज द मोस्ट ऑफ द लिटरेट स्टेट है ना, एजुकेटेड स्टेट, दैट्स वाई है ना। या एजुकेशन कम भी है तो आपको अवेयर होना है ना टुवर्ड्स द हेल्थ ना, हेल्थ कंसर्स आपको होना है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ है ना, स्वास्थ्य ही धन है ना। इस लाइक दैट सच एंड सच एक्सप्लेनेशन दैट आई डिड टुडे, ओके, एंड आई होप कि आपको समझ में आई होगी। फिर जहां जो प्रॉब्लम होगा इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन रेज द डाउट्स। ओके, थैंक यू।